फिलहाल आप जबलपुर की तस्वीर देख रहे थे, जहां पर शहीदों को यहां पर नमन किया जा रहा है। सीएम मौजूद हैं वहां पर, उपराष्ट्रपति भी वहां मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें, वापस चंडीगढ़ की खबर पर लौटेंगे, जिसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को हिलाकर रख दिया है, वहां के प्रबंधन को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर चंडीगढ़ में बवाल हुआ था, बवाल के बाद की तस्वीरें हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि यहां पर पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा था। फिलहाल पूरे जो कैंपस है उसको खाली करा लिया गया है। देखिए यहां पर किस तरीके से बल का प्रयोग किया गया। छात्र भी यहां पर कहते नजर आए थे कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी जो प्रबंधन जो है, वह किसी भी तरह की हमारे साथ में कोताही जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। संदीप हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, चूंकि कहा जा रहा है कि पूरे हॉस्टल को खाली करा लिया गया है, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल दीप्ति, बता दें कि हॉस्टल जो है वो बच्चे खुद खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो है घर पर फोन कर चुके हैं, और उनके पेरेंट्स, चाहे वो एमपी के हो, चाहे हिमाचल के हो, चाहे हरियाणा के हो, तो लगातार जो है बच्चों को लेने के लिए खुद आ रहे हैं और बच्चों को यहाँ से लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है वो खाली होते हुए नजर आ रही है। और एक मेन बात आपको बता दें, जिस हॉस्टल में जो लड़कियों की वीडियो वायरल हुई है, वो लड़की भी अभी फ्रेशर ही थी और अभी फर्स्ट ईयर की जो है स्टूडेंट थी, और उसी जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे, उस हॉस्टल में जो है वो जो लड़कों का हॉस्टल था, और 3 से 4 महीने पहले ही उसको गर्ल्स हॉस्टल में बदला गया था, जिसके चलते उस हॉस्टल के जो है जो बाथरूम की छत कह लें वो भी जो है वो नहीं थी, और देखा जाए तो दरवाजा जो है उसके भी नीचे से स्पेस थी, जिसके चलते ये सारी वीडियो बनी है। हालांकि यही जो संदीप जरा ये भी समझाइए हमको कि एक दो वीडियो वायरल नहीं हुए हैं, यहाँ 60 वीडियो हैं अलग अलग ब्लॉक के, अलग अलग जगह के, जैसे ए ब्लॉक हुआ, बी ब्लॉक हुआ, ऐसे अलग अलग ब्लॉक के वीडियोस वायरल हुए हैं। ये कैसे संभव हो पाया होगा कि एक छात्रा इतनी जगह वीडियो बना ले, यानी कि और भी छात्राएं शामिल हो सकती हैं, इसके पीछे और भी बड़ा रैकेट भी हो सकता है, इसे क्या माने, क्या एंगल तलाश रही है पुलिस? जी बिल्कुल, माने तो वो जो एक लड़की है जिसके ऊपर आरोप ये लगे हैं, वो लड़की सबसे ताल्लुकात रखती थी और लगातार जो है घूमती फिरती थी, दोस्त बनाती थी नए नए, और साथ में ये भी बता दें कि लगातार जो है हॉस्टल से ये वीडियोस वायरल हो रही है, और जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पर्दा डालता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में सोसाइटी की बात, सोसाइटी के भी यही कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी जो सामने निकलकर नहीं आया। जी लेकिन संदीप सर ये भी बताइए, देखिए हम कुछ तस्वीर भी आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इस लड़की के बारे में पता चल पाया है कुछ, जो हिमाचल में शिमला में जिस लड़की को वीडियो भेजती थी, कौन लड़का है, कहाँ का लड़का है, क्या चाहता था, क्या करता था, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी जुटाई? देखिए जो जिस बारे में ये वीडियो वायरल हो रही है, और जहाँ से जिस लड़के को वीडियो भेजी जा रही है वो शिमले का लड़का रहने वाला है, और लड़की भी जो है यही बताई जा रही है कि शिमले के रहने वाले हैं, और जिसके चलते ये जो वीडियोस है वो लड़के को भेजी जाती थी, और ये भी लड़कियां जो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हुए नजर आई कि जो यूनिवर्सिटी में लड़के हैं उनको भी कुछ वीडियोस जो है वो भेजी गई थी लड़कियों की। तो लगातार जो है लड़की को पैसे की जरूरत होती थी, और पैसे जो वो लड़की उनसे लेती थी जब वो उनकी वीडियो वायरल करती थी, तो लड़कों को भेजती थी ये वीडियोस। जी हमला है संदीप, और सवाल ये भी कि ये लड़की कब से इस काम में लिप्त थी, क्या इसकी और भी दोस्त, और भी सहेलियां, और भी छात्राएं उसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड जो लड़कियां बताती हैं कि इसमें 2 से 4 लड़कियां और जो है उन पर भी एफआईआर करने की मांग जो है वो की जा रही है। लगातार एक गैंग की बात की जा रही है कि गैंग जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कि जो लड़की थी और जिसकी तरफ से ये जो पकड़ी गई है उसकी तरफ से जो ये माना भी गया है कि हम जो है वो वीडियो बनाते थे और लगातार लड़की के संपर्क में आती थी, और जिसके चलते लड़कियों के रूम में जाकर वो वीडियो बनाकर आती थी, और कहीं ना कहीं जो छात्र है वो जरूर उस लड़की के साथ जो उसकी सहेलियां हैं उनके ऊपर एफआईआर करने की मांग भी लगातार करती हुई नजर आ रही है। जी अभी क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ पा रही है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है मामला, और जाहिर सी बात है कि पुलिस पे भी आरोप है कि पूरे मामले को बचाने की कोशिश कर रही है,
चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है इसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है, पूरे मामले को दबाया जा रहा है, हीला हवाली दी जा रही है, क्या नजर आता है आपको? बिल्कुल, अगर बच्चों की माने तो लगातार उनके ऊपर भी जो है प्रेशर डाला जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स है उनको भी जो है उनके हॉस्टल्स में ही रुकने को कहा जा रहा है, और हॉस्टल से निकलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही, चाहे वो लड़कियां हो उनको उनके हॉस्टल में ही जो है वार्डन की तरफ से अंदर ही रोका गया है। और लगातार देखा जाए तो जिसके पेरेंट्स जैसे आते हैं उसको वहां से भेज दिया जाता है, और साथ के साथ अगर फोन की बात करें तो फोन भी जो है उनके पकड़ कर रख लिए गए हैं। जी, तो यहाँ पर पुलिस के दावे तो अलग अलग नजर आते हैं संदीप। वो कहती है कि आप अफवाह पे ध्यान ना दें, अभी तो एक ही वीडियो मिला है, ऐसी कोई बात सामने आ नहीं रही है, हम जांच पड़ताल करेंगे। तो जी बिल्कुल, अगर पुलिस की माने तो एक ही वीडियो जो सामने आया है, क्योंकि उस लड़के को, जिस लड़के को ये वीडियोस भेजती थी लड़की, उस लड़के से बात की गई थी अंदर ही, तो जैसे कि बात निकलकर सामने आ रही, क्योंकि हमने बच्चों के साथ जो है बात की तो बात करने से पता लगा कि उस जो लड़की की तरफ से जो वीडियो भेजी गई वो उसी लड़की की वापसी में वीडियो आई थी, उससे वीडियो मांगी गई थी उस लड़की की तरफ से, और लड़के ने उसी लड़की की वीडियो जो है वापस भेजी जो एक्यूज थी। और लगातार यही पुलिस कहती हुई नजर आई कि वीडियो जो है उसी लड़की की आई है, वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजती होगी, जिसकी वजह से उस ये बात जो है सामने आई है, और इसकी वजह से जो है यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने के लिए जो है यहाँ पर एक षड्यंत्र जो है रचाया जा रहा है। लेकिन संदीप जरा ये भी बताइए कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था? क्या वार्डन को सबसे पहले पता चला था, छात्राओं को पहले पता चला था, जब वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ, कैसे मालूम पड़ा छात्राओं को? जी बिल्कुल, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं छात्रा के पास पहुंचा, और छात्रों ने ही वार्डन को बताया, और वार्डन को बनाने के बाद जो वार्डन ने उस लड़की को एक कमरे में बुलाया, और छात्र भी उसके साथ जो है वहां पे थी, जिसके चलते उससे पूछताछ की गई, तो जब छात्र जो है वो सख्त हुए, सख्त होने के बाद जब वार्डन से बात की गई तो वार्डन ने सख्ती से पूछा, तो उस लड़की ने साथ के साथ सब कुछ उगल दिया और बताया कि मैं ये वीडियो जो है वो लड़की शिमला के जो लड़का है उसको भेजती थी। इसके चलते वार्डन जो है आगे जो बात करती है उससे यही सामने आ रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें यही पता लग रहा है कि वार्डन जो है सच्चाई से उस लड़की से पूछती है, तो लगातार जिसके चलते जो है कल रात को यूनिवर्सिटी में हंगामा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है कोई भी इस पे जो है एक्शन नहीं देती, जिसके चलते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सारे छात्र। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो संदीप हमारे संवाददाता बता रहे हैं, हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, अब आगे जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जानी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसने कहीं ना कहीं माता पिता की चिंता भी बढ़ा दी है। आप बच्ची के एडमिशन के लिए हॉस्टल में आए थे, ये जो पता चला आपको क्या आप दिमाग में चल रहा है? हाँ, वो तो चल ही रहा है, सभी को चाहिए कि अपनी लड़कियों की सेफ्टी तो चाहिए ना सभी को, ना? तो आप एडमिशन करा रहे, एक बार मैं चाहूंगा ये दिखाइए, ये देखिए बच्ची को एनरोल कराने के लिए हॉस्टल में ये पहुंची है। मैम, जिस तरह से बच्चियों ने कल आवाज उठाई, नारेबाजी की यूनिवर्सिटी का, ये कहना कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन डर बैठ जाता है एक दिन। हाँ, नहीं वो तो है, डर तो बैठा हुआ है, हम भी पहले वही बात कर रहे हैं कि हमें पहले प्रॉपर सेफ्टी चाहिए। कुछ और भी यहाँ पर विभाग पहुंचे हैं, आपके बच्चे, अच्छा आप साथ ही हैं, तो आप देख सकते हैं, तो सर क्या चल रहा है दिमाग में, मतलब जैसे ये तमाम चीजें हुई हैं, आप बच्ची को छोड़ने आए, अपनी बेटी को छोड़ने आए, लेकिन बाकी बच्चियों ने जिस तरह से कल किया? सर मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहता तो फिर क्या होगा, बच्चों का कैसे भविष्य होगा? पर मैं यही सोच रहा हूँ, रास्ते में जब पहुंचे तो मोबाइल से हमने पढ़ा कि ऐसी ऐसी कोई वायरल हो गई है, तो वीडियो बोल रही थी कि आप पता मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं जहाँ पे ये केस हो रहा है, तो डर तो है सर इस बात का। क्या कहेंगे सर, आपका कोई यहाँ पर बेटी है, वही मेरी बेटी है। अच्छा, तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई हैं, एक माँ बाप, एक बाप के दिल पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि हॉस्टल आदमी तब चुनता है कि सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे डर लग रहा है कि हम इन्हीं के भरोसे तो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, अगर ऐसा घटना भविष्य में और भी घटती है तो फिर हम हॉस्टल नहीं लेंगे, हम बच्चों को बाहर ही कहीं पीजी वगैरह लेंगे अगर ऐसी घटना घट रही है तो। ये होती है इनसिक्योरिटी, क्योंकि माँ बाप हॉस्टल के दरवाजे इसलिए बच्चों के लिए चुनते हैं क्योंकि ये गेट्स जो हैं वो अमूमन उसी वक्त खुलते हैं जब अथॉरिटीज चाहती हैं। एक सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं बाहर एंट्री पे भी सिक्योरिटी के लिए एक महिला है जो कि चेक करती है आना जाना, कब आना है कब जाना है, वीक में आपको एक दिन मिलता है कि आप कब जाएंगी बाहर, कब निकलेंगी हॉस्टल से।
तमाम चीजें, लेकिन अब माँ बाप का डर यह है कि हॉस्टल, उनका यह कहना है कि नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस का कुछ भी कहना हो, लेकिन माँ बाप के दिल में एक डर जरूर आ गया, क्योंकि अपनी बच्ची अपनी लाडली को वो हॉस्टल छोड़ने आए हैं, और ऐसे में अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है, जिसको नाजुक से पाला जाता है, उसके भविष्य के लिए यहां लाया जाता है, तो ऐसे में ऐसे हॉस्टल से दूरी बली। कैमरा पर्सन मोहित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है ये वही लड़का है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है, क्योंकि ये शिमला का बताया जा रहा है लड़का, जिस लड़की को लड़की वीडियो भेजती थी, जो आरोपी छात्रा है ये बेटी, आपको बता दें कि वीडियो इस छात्रा को पैसों में भेजा करती थी। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल की तफ्तीश में जुट चुकी है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है इस वक्त, इस मामले में लड़की को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लड़की इस वक्त हिरासत में है, लेकिन कई सवाल इस वक्त अब खड़े हो रहे हैं। वैसे मैं चंडीगढ़ के एलसी हॉस्टल के बाहर हूं, जहां पर यह तमाम प्रकरण हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। यूनिवर्सिटी की ओर से यह कहा गया है कि किसी का एमएमएस नहीं बना, सिर्फ उस लड़की के वीडियोस थे। ऐसे में यह प्रदर्शन, ये लड़कियां क्या कहती हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहेंगी, यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोई वीडियो नहीं बना, किसी सर वीडियोस बनी है, बॉयज हॉस्टल में लीक भी हुई है और वो वीडियोस मिली थी सबको। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी इस पर पूरी तरह से लीपा पोती करने में आ रही है, आप लोग क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने सुरक्षा के देखते हुए आपको हॉस्टल में रखा था। सर इस पे तो हॉस्टल दूसरा दिखाया गया था, और ये है हॉस्टल दूसरा, हमें दूसरा डेमो दिखाया गया, उसके अंदर सब कुछ फैसिलिटी थी, और हमें दूसरे हॉस्टल में ला के रख दिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वॉशरूम के कुंडी भी नहीं है। कुंडी कहाँ नहीं है, कहाँ पे, वॉशरूम में भी नहीं है, ना हैंगर में भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, हम कहाँ जाए। नीचे एक सेपरेट वॉशरूम है पेरेंट्स के लिए, उसमें ना बाहर से लोग है ना अंदर से लोग है, ठीक है, बॉयज हॉस्टल अलॉट किया है, अंदर रूम्स में ना कलर है, इतना गंदा गंदा वर्डिंग लिखी हुई है लड़कियों के लिए, वहाँ पर गाली भी लिख रही है, वो तक हमें देखनी पड़ रही है, वो तक साफ नहीं करवाई। ये बॉयज हॉस्टल था जिसमें आपको शिफ्ट किया गया है। हाँ जी। अब जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, ये इनका कहना है कि किसी ने सुसाइड नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा, दबा रहे ये लोग हमें ताकि हम कुछ करें ना। कौन लड़के आप जानते हो? नहीं जानते नहीं, बट हमें पता चला है कि तीन लड़कियों ने सुसाइड करा, बहुत सारी लड़कियां एडमिट है, हम सारे फ्रेशर्स हैं, हमें दबाने की कोशिश करी जा रही है। फ्रेशर्स लड़कियां, उनको मालूम नहीं है कौन कौन है, फायदा उठा रहे कि हम फ्रेशर्स हैं, तो हम किसी को एक दूसरे को जानते नहीं है। आज इन्होंने लड़कों को बंद कर दिया, हमें लड़कों के साथ ज्यादा सेफ फील हो रहा है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है सर, आज वो बंद है, हमें उन्हें बाहर निकालना है, बॉयज बंद है उन्हें निकलवाओ। आप देख सकते हैं कि ये एलसी हॉस्टल की लड़कियां हैं, जिनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से किए जा रहे तमाम दावे गलत हैं, ये तमाम फ्रेशर्स हैं, तमाम इन्होंने अभी अभी दाखिला लिया था, इन्हें कहा गया था गर्ल्स हॉस्टल लेकिन दिया गया बॉयज हॉस्टल। ये एलसी हॉस्टल जो है वो लड़कों के लिए बनाया गया था, कुंडियां नहीं है, कमरों में भी नहीं है, वॉशरूम्स में नहीं है, प्रदर्शन लगातार इन लड़कियों की ओर से किया जा रहा है। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।